आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लाते हैं और इस हफ्ते भी आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो चलिए, नया साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और नया साल में आप और बेहतर करें और आपके सपने साकार हो और आप जरूर IAS बने। और आपको इस जर्नी में, इस यात्रा में जो भी दिक्कत हो वो हम बेधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा मंच ये खुला हुआ है। तो चलिए, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई। और आज का हम टॉपिक जो देखते हैं वो टॉपिक है, पृथ्वी पर पानी कहाँ होता है, यानी हम जो पानी है वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या सब हो सकता है। तो पृथ्वी पर पानी कहाँ होता है, पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया और आज कहाँ पाया जाता है, उसी तरह से देखेंगे पानी का वैश्विक वितरण क्या है, और उसी तरह से हम देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितना जल मौजूद है, और उसी तरह से देखेंगे मृदा जल क्या है, जैविक जल क्या है, इस सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर पानी कहाँ होता है। तो पानी पृथ्वी पर हम जानते हैं प्रचुर मात्रा में है और हर जगह मौजूद होता है, और कई स्थानों पर ये होता है। अधिकांश पानी महासागरों में है लेकिन खारा है। अधिकांश ताजा पानी हिमानी और हिमखंड, आप देखेंगे तो जो आइस ग्लेशियर है और आइस आइस कैप है, तो हिमानी हिमखंड इस पे आपको रहता है। और फिर भूजल में ज्यादातर जो है आपका पानी रहता है। झीलों, आर्द्र भूमि, नदियों में भी थोड़ी मात्रा में पानी रहती है। इसके अलावा जो जल है वो पौधे, जानवर, मिट्टी और वायुमंडल में भी आपको पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि पानी कहाँ होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया और आज यह कहाँ पाया जाता है। तो देखते हैं कि पृथ्वी पर पानी जो है वो अधिकांश पानी संभवतः ग्रह के निर्माण के दौरान, यानी 4.6 अरब साल पहले धूमकेतु एवं अन्य बर्फीले खगोलीय पिंड के टकराने से उत्पन्न हुआ था। उस समय, चूंकि हम जानते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो अचानक उस टाइम बहुत सारी टक्करें हो रही थी, और उस टक्कर में जो आइसी यानी जो बर्फीले मेट्रोलाइट्स आते थे, जो उल्का पिंड आते थे, उसमें पानी मौजूद होता था। और इसका पहला साक्ष्य जो है वो आपको एक प्राचीन उल्का पिंड में, जो 4.6 अरब साल जैसे कि मैंने बताया पुराना है, जो फरवरी 2021 में विम्बोम्बे यूके में ड्राइव में पाया गया था। उसके साथ ही पानी का अधिकांश भाग, यानी वो उस वक्त जिस तरह से टकराता था वो आपको कोर में चला जाता था नीचे, और फिर वहां से मैग्मा के रूप में ऊपर आता था और जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ता था। और हम लोग जानते हैं कि धीरे 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 ठंडा हुआ और फिर बारिश हुई और फिर ये हमारा महासागर बना। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो इसी तरह से आगे हम देखें तो अब इसका सेटिंग देखते हैं कि अभी कहाँ पाया जाता है। तो महासागर से, और हम जानते हैं कि कुल ज्ञात का 96.5% आपको महासागर में, लेकिन ये क्या खारा पानी है, नमकीन पानी है। और शेष जो है 3.5 जो है वो ताजा पानी है, वो आपकी बर्फ की चादरों में, हिम नदों में, भूजल में, झील झरना, ये सब में ये 3.5% है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे नदी। तो नदियां जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई कई क्षेत्रों में पीने के पानी का काम करता है, हालांकि उसमें पृथ्वी के ताजे पानी का बहुत ही कम मात्रा होता है। यानी आप ये समझिए जो सरफेस वाटर है, टोटल वाटर का आप देखेंगे तो जो टोटल 3.5% है, उसका 3.5 को अगर हम 100% मान लें तो उसका सिर्फ 0.3% जो है वो सरफेस है। और इस 0.3% को अगर हम 100% मान लें तो इसका सिर्फ 2% जो है वो आपको नदी में पाया जाता है। तो नदी का पानी काफी कम मात्रा में होता है लेकिन काफी महत्वपूर्ण होता है, और जानते हैं कई शहरों में ये पानी पीने का स्रोत होता है, तो नदी से ही होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसी में झील। झील जो है विभिन्न आकारों में होता है, जानते हैं छोटी झील भी होती है, बड़ी झील भी होती है, और कैस्पियन सागर जैसा महाझील भी है। तो आप देखेंगे तो ये पानी जो है इसमें, लेकिन जो झील है, जो झील आपको खारे क्षेत्र में, जो शुष्क जलवायु क्षेत्र में है, शुष्क जलवायु क्षेत्र में जो झील है वो आपको ब्रैकिश वाटर या खारे पानी, तो एक तो खारे पानी का मिलेगा या ब्रैकिश वाटर जिसको नून खारा जल कहते हैं, यानी ताजा पानी और खारे पानी के बीच की बात। तो इसमें सतह पर अधिकांश जो होता है
ये होगा। और सतह पर अधिकांश जो आपको पानी है उसका सबसे ज्यादा आपको इसी झील में पाया जाता है, यानी जो मैंने बताया था कि सतह का 2% आपको नदी में और झील में 87%। अब सोच लीजिए, और 11% जो वो दलदली क्षेत्र में होता, तो वो भी आगे देखेंगे। दलदल या दलदली क्षेत्र या जिसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं, इसमें गीली जगहों में सतह के नीचे पौधों के भीतर और उथली मिट्टी में पानी होता है। यहाँ ये पौधे के नीचे, यहाँ उथली मिट्टी में, ये पूरा कीचड़ की तरह से होता है, दलदली क्षेत्र इसीलिए कहते हैं इसको। तो इसको आपको आर्द्र भूमि कहा जाता है। और ये लगभग जैसे कि मैंने बताया 11%, यानी 2% रिवर, 87% आपका झील और 11% टोटल आपका 100%। और ये 100% क्या था, 0.3% था टोटल फ्रेश वाटर। तो अब ये समझिए सोशल फ्रेश वाटर जो हुआ उसमें सबसे कम नदी में पाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं इसमें, आप देखते हैं ग्राउंड वाटर जिसको भूजल कहते हैं। तो भूजल लगभग 30% भूजल आपको पाया जाता है, और ये जो है पेड़ की जड़ों से नीचे होता है। और नॉर्मल जो हम लोग यहाँ देखते हैं वेटलैंड में, ये पेड़ के जड़ों में उथले पानी इस तरह से आता है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ नीचे बनता है, यानी यहाँ पेड़ का जड़ यहीं तक रहेगा उससे नीचे। अब यहाँ पे आपका, अब ये क्या होता है कि तलछट यानी जो सेडिमेंट है उसके बीच में जो छिद्र होता है उसमें यह पानी होता है, और इसके बीच में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया तो उसके भीतर होता है। अधिकांश भूजल ताजा है, ज्यादातर भूजल आपका ताजा है, लेकिन कुछ खारा भी पाया जाता है, खास करके अगर वो समुद्र के निकट है या कोई खारे पानी का सोर्सेस है, झील है उसके पास है, तो वहां आपको भूजल खारा मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर ये ताजा ही होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे एटमोस्फेयर, वायुमंडल में भी जल होता है, लेकिन वायुमंडल में जल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल से ही हमारा सर्कुलेशन होता है और ये जल चक्र चलता रहता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जल चक्र जो है वाटर साइकिल ये खत्म हो जाएगा। तो लेकिन इसमें बहुत कम होता है, यानी 0.001%, सिर्फ इतना ही परसेंट होता है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आपको ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में जो है फ्रेश वाटर जो ताजा पानी था जिसका मैंने बताया था कि सरफेस पे 0.3% था, उसमें 69% आपका ग्लेशियर है। और जो मैंने बताया था आपको 30% आपका ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर, यही दो मिला के सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर रखता है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको परमाफ्रॉस्ट पे रहता है, ग्राउंड आइस में भी रहता है छोटी मात्रा में जब, तो ये सारी जो है वो आपको बर्फ के रूप में आपको मिलता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो मृदा यानी सॉयल वाटर, ये पानी ये जो देख रहे हैं ये मिट्टी में, तो ये मिट्टी में मौजूद होता है, ये भी वायुमंडल में जितना ज्यादा उसी के बराबर में होता है, यानी 0.001% अगर हम लोग करें तो। लेकिन ये जो है मृदा जल भी हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये मृदा में जल नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा, बहुत सारी चीजें नहीं होगी, और फिर मानव को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे अस्तित्व के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जैविक जल जिसको बायोलॉजिकल वाटर कहते हैं, ये पौधों और जानवरों की कोशिकाओं की संरचनाओं के भीतर होता है। हम लोग जानते हैं जो मानव कोशिका है या कोई भी प्राणी का कोशिका होता है वो साइटोप्लाज्म से बना होता है, और साइटोप्लाज्म पानी होता है। उसी तरह से स्पष्ट रूप से देखें तो हमारा जो ये है ये काफी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कुल जल का जैसे मैंने बताया काफी, यानी 0.0000 इतना, यानी आप समझिए कि एटमॉस्फेयर से भी 10 उससे भी कम है, और मृदा जल से भी कम है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से देखेंगे कि इंटीरियर होता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक यानी डीप इंटीरियर वाटर, यानी गहरा आंतरिक जल आप कह सकते हैं, ये अज्ञात है, अभी तक पाया नहीं गया, लेकिन कुछ रिसर्च अभी आया था, पहले इंडिया टीवी में आया था। और ये क्या है कि ये पानी ऐसा माना जा रहा है कि जो पृथ्वी पे महासागर है उससे भी कई गुना ज्यादा है, और ये न्यूज जब आया एनडीटीवी टीवी में और बहुत सारे इस पे लिंक पे आया था, तो लोग सोचते होंगे कि ऊपर में तो सागर है, ये कि कोर मेंटल बॉडी की तो उतनी गर्मी है, वहां कैसे सागर हो सकता है। और यही सवाल क्लास में किसी बच्चे ने हमसे पूछा, तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये ऐसा नहीं है, असल है क्या कि जो कोर मेंटल बॉडी के वो ना तो लिक्विड फॉर्म में है, ना सॉलिड फॉर्म में है, ना प्लाज्मा फॉर्म में है, वो क्या है कॉमिकली बॉन्ड है, मतलब
क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये है आप देखेंगे, ये आपको बेसिकली खनिजों में, मेंटल के खनिजों में बंधा हुआ, यानी रासायनिक रूप से बंधा हुआ केमिकली बॉन्ड है। ठीक है, तो केमिकली बॉन्ड है वो आपको मिनरल के अंदर ही है, उसको अगर आप मिनरल से वो केमिकल को अलग अलग करेंगे तब वाटर निकल सकता है। तो ये केमिकली बॉन्ड है लेकिन बड़ी मात्रा में है, ये बात है। तो ये गहरा जल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के वाटर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो वैश्विक जल वितरण है वो किस तरह से है। तो हम जानते हैं कि 100% में 96.5% जो है आपको खारा पानी है, 3.5% जो है वो आपको ताजा पानी है। तो अब ये ताजा पानी को भी अगर हम इसको 100% मान लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो 68.7% यानी 68.7% जो है वो आइस कैप हो गया। उसी तरह से अगर देखेंगे तो भूजल है 30.3% और अन्य जो है वो 0.9%। अन्य के क्या है, जैविक जल है, मृदा जल है, वायुमंडलीय जल है और बहुत सारी चीजें हैं जो आप एटमोस्फेयर में आपका है बादल, बहुत सारी चीजें हैं जो वो सारा चीज मिलके आपका चाहे बायोलॉजिकल हो या एटमोस्फेयरिक हो या सॉयल हो, ये सब मिलके 0.9% और बाकी जो बचा 0.3% वो आपका सरफेस वाटर, आप सबको चारों ओर जोड़िए 100% हो जाएगा। तो ये 3.5 का 100% में सिर्फ 0.3% ही सरफेस वाटर है, फ्रेश है, जिसका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, पीते हैं। अब देखते हैं चाहे झील हो, नदी हो या दलदली क्षेत्र हो, लेकिन जो नहीं देखते हैं वो वाटर बड़ी मात्रा में आपको मौजूद होता है। तो अगर हम इसको भी देखें जो 3% है, इस 3% को अगर हम मान लें कि ये 100%, इसको भी मान लेते हैं 100, तो 87% उसका लेक में, यानी जो सरफेस पे ताजा जल है उसका 87% क्या है आपका झील में, 11% क्या है आपको दलदली क्षेत्र में और 2% आपको नदी में। तो अब इससे क्लियर हो गया कि सबसे कम जल नदी में, सबसे ज्यादा जल। और अगर सरफेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा झील में, उसके बाद दलदली में और उसके बाद। तो ये सारा इस सब को अगर और जानिएगा तो जो वैश्विक वाटर बजट होता है यानी वैश्विक जल बजट, वो हमारा अगला वीडियो है और ये अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं पूरा बताऊंगा किस तरह से इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन होता है और किस तरह से साइकिल चलता है। तो चलिए इस सब के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज इसको दूसरों तक फैलाइए, अपने ग्रुप में इसको भेजिए ताकि हम और आपका आपको बता सके। जैसा कि आप जानते हैं आप लोगों के लिए मंच है, आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है सभी सर से पूछे, तो ये इसमें आप पर्यावरण, भूगोल और पर्यावरण और भूगोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले